यूपी के सीतापुर में दिन दहाड़े रेप की घटना को अंजाम देने से सनसनी फैल गई। इतना ही नहीं, दबंगों ने रेप के प्रयास में असफल होने पर असलहे के बल पर लूटपाट की। शौच के लिए गई महिला का रेप के प्रयास का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली देहात पहुंचकर केस दर्ज कराया, लेकिन हमेशा आंकड़ेबाजी में महिला पुलिस ने रेप के प्रयास व लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज न करके महज छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। वो दो लोग कौन थे? सुभान और सुभान, दो लोग थे और तमंचा दिखा कर मुझे गिरा दिया। गिरा कर के हमने कहा कि मेरे सब छह पाँच करने लगे, तो हम जो थे तब ऊपर से दो लोग देखे, तो हमारे देवर से बताया, देवर डर कर आए और तब उन्होंने थोड़ा कम बैठा कुतवाली ले गए, कुतवाली में रिपोर्ट लिखवाई और बाला और पायल और बाद में गले में माला पहने वो भी तोड़ गए, तोड़ कर भाग गए। तब हमारी जान मारने की कोशिश बिल्कुल कर रहे। रात में एक घटना घटी नेपालापुर में, संज्ञान में सुबह आया तो उस विषय में हमारी एक महिला के साथ कुछ दरिंद्रों ने मिल करके रेप करने का प्रयास किया और रेप करते समय वो महिलाओं चिल्लाई आवाज़ दी, लेकिन असलहे के कुछ दम पे उसी गांव के नज़दीकी रहने वाले सुभान और गुसरान दो आदमियों का वीडियो भी वायरल हुआ है, बना है। इन दोनों को उसने पहचान लिया, बाकी दो उसमें जो थे वो भाग का पता वो नहीं बता पा रही है, लेकिन इन दोनों को पहचानने के बाद वीडियो बना और उसके जेवर वगैरह जब दौड़े हैं तो पकड़ने में आ गए थे। पुलिस एक्टिव है, पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया है और गिरफ्तारी में एक गिरफ्तार हुआ, एक फरार है। संभवतः पुलिस के जिस तरह बयान है हम लोग के मिलने से आसार दिखता है कि शाम तक गिरफ्तारी हो जाएगी, तब पश्चात उनको जेल भेजा जाएगा। आपका नाम? प्रमोद कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद सीतापुर। सीतापुर में रेप के प्रयास का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रेप के प्रयास का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला सीतापुर जिले के नेपालापुर का है, जहां पर जो है महिला शौच के लिए गई हुई थी, तभी गांव के ही दो युवकों के द्वारा रेप का प्रयास किया गया। जब रेप के प्रयास में आरोपी विफल हो गए तो उन्होंने महिला के जेवरात लूट कर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर महिला के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद वालों ने इस पूरे मामले को लेकर थाने का घेराव किया और पुलिस पर दबाव बनाया, जिसके बाद पुलिस ने समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक आरोपी की गिरफ्तारी भी कर ली है। वीडियो जर्नलिस्ट सुवांशु पडवा के साथ समी अहमद, लाइव टुडे सीतापुर।